हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि कटिंग से प्लांट बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कितने भी अच्छे से कटिंग लगा ले वो चलती नहीं है। दो चार पत्तियाँ आने के बाद कटिंग हमारी सूखने लगती है। तो आप अगर इस तरीके से कटिंग लगाएंगे तो आपकी कटिंग भी अच्छे से चलेगी और आपकी जो कटिंग है वो ख़राब भी नहीं होगी। उसको चेंज कैसे करना है, कैसे दूसरी सॉइल में उसको लगाना है, वो मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी उसका तरीका। लेकिन आज मैं आपको परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के बारे में कुछ बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से कटिंग लगानी है और कैसे आपको ये रखनी है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ, और साथ ही एक तरीका ऐसा बताने वाली हूँ फर्टिलाइज़र, जिससे आपकी कटिंग अच्छे से हो जाएंगी। मैं ये तो नहीं कहती कि 100% होंगी, हाँ, लेकिन आपकी 90 से 95% कटिंग चल जाएंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारी कटिंग है वो है हिबिस्कस की। गुड़हल बहुत ही सुंदर लगते हैं इसके फूल, और बहुत आसानी से इसकी कटिंग हो भी जाती है। लेकिन देसी गुड़हल की कटिंग बहुत आसानी से हो जाती है, वहीं जो हाइब्रिड गुड़हल होता है उसकी कटिंग थोड़ी सी हार्डी होती है, मतलब मुश्किल से लगती है। लेकिन अगर आप इसी तरीके को उसके साथ भी अपनाएंगे तो आपकी हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग भी आसानी से हो जाएंगी। तो देखिए, मैंने एलोवेरा जेल में इसको डिप किया है और पेंसिल के आकार की ही कटिंग ली है और सिंपल सी सॉइल में इसको लगा दिया है। साथ ही मैंने इसमें पानी में भी इसको लगाया है और पानी में भी इसकी रूट्स निकलने लगती है। तो कम से कम 20 से 25 दिन में पानी में इसकी रूट्स बनने लगेंगी, और उसके बाद आपको किस तरीके से चेंज करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगली कटिंग है देखिए दूसरे नंबर की हमारी आलमांडा की। आलमांडा की कटिंग भी आसानी से तो नहीं कहूँगी कि आसानी से चल जाती है, थोड़ी सी टाइम लगता है इसमें जो जड़ें बनती हैं। लेकिन अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी ये प्लांट भी तैयार हो जाएंगे। अगली कटिंग है हमारी बोगनविलिया। बोगनविलिया की कटिंग भी देखिए काफ़ी हार्डी कटिंग होती है इसकी भी, और ये समय लेती है रूट्स बनने में। तो इसकी भी कटिंग आप थोड़ी सी मोटी लीजिए, ये नहीं है कि बहुत ही मोटी लेनी है, हाँ थोड़ी सी ऐसी ही कटिंग लीजिए जो पेंसिल का आकार होता है ना, उसी तरीके की आपको इसकी कटिंग लेनी है। और कटिंग वही ब्रांच की लेनी है जो ब्रांच ग्रो कर रही है, जिसपे पत्तियाँ नई नई आ रही हैं, वही कटिंग आपको लेनी है। और ये भी मैंने देखे सिंपल सी मिट्टी में लगा दिया है। वहीं हम लेंगे यहाँ पर विनका की कटिंग। ये भी जो पौधा होता है परमानेंट होता है, और इसकी कटिंग भी आसानी से हो जाती है अगर इसका रखरखाव ठीक तरीके से किया जाए। तो ये पौधा हमारे गार्डन में सालों साल बना रहता है, क्योंकि देसी विनका तो देखिए आसानी से चल जाती है कैसा भी बारिश हो या ठंड हो या गर्मी हो। लेकिन जो हाइब्रिड विनका होती है उसे संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आपको लगे कि आपका पौधा जो आपकी ब्रांच है नीचे से उगलना स्टार्ट हो गई, तो आप नए प्लांट उसके बना लीजिए। और इसकी आपको टिप की कटिंग लेनी है, इसकी पेंसिल की कटिंग जो आकार होता है वो नहीं लेनी है, आपको इसकी टिप की कटिंग ही लेनी है। सभी प्लांट ऐसे नहीं होते हैं दोस्तों जिनकी कटिंग पेंसिल के आकार की चलती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग टिप से चल जाती है, यानी बहुत ही मुलायम सी कटिंग लेनी होती है, उसकी कटिंग चल जाती है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा डबल चांदनी। सिंगल चांदनी की भी कटिंग इसी तरीके से लगती है, लेकिन ये डबल चांदनी का प्लांट है और बहुत ही सुंदर इसके गुच्छों में फूल आते हैं। एक छोटा सा गुलाब होता है उसी की तरीके से इस पर फूल आते हैं। और देखिए, इसकी कटिंग भी मैंने पेंसिल के आकार की ही ली है और इसकी कटिंग भी चल जाती है। मैंने कई सारे इसके प्लांट बना लिए हैं पिछली बार, और इस बार भी मैंने इसके दो प्लांट बनाए हैं। लेकिन अब मैं आपको ये लगा के दिखा रही हूँ कि आप इसको सितंबर में भी लगा सकते हैं, जैसा कि लास्ट चल रहा है तो आप अभी भी इनकी कटिंग लगा सकते हैं। क्योंकि ठंड आने में तो कम से कम अभी 2 महीने हैं, अक्टूबर और नवंबर, तो नवंबर तक ये प्लांट आपके बन के तैयार हो जाएंगे। और जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी तो ये देखिए थोड़ा डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट सीजन के लिए आपके पास ही तैयार हो जाएंगी। अगली जो कटिंग है वो है चंपा की कटिंग। तो चंपा का प्लांट भी वैसे तो देखिए डोरमेंसी में चला जाता है सर्दियों में, लेकिन इसकी कटिंग बहुत जल्दी से ग्रो हो जाती है। और जैसा मैंने बताया, सर्दी आने में अभी लगभग 2 महीने हैं, तो 2 महीने में ये कटिंग आपकी चल जाएगी और एक प्लांट बन जाएगा और नेक्स्ट सीजन में आपको ये फ्लावरिंग दे देगा। अगली कटिंग है हमारी गुलदावदी की। तो गुलदावदी की भी कटिंग जो लेंगे आप, वो आप टिप की कटिंग लेंगे, ज़्यादा हार्ड कटिंग नहीं लेनी है इसकी। और ये नीचे से देखिए प्लांट ख़राब होने लगते हैं ज़्यादा बारिश की वजह से, तो इसके नए जो पौधे होते हैं हमें तैयार कर लेने चाहिए। वैसे तो ये अगस्त से तैयार होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ज़्यादा बारिश हो गई है तो उसकी वजह से ये प्लांट ख़राब हो गए हैं बारिश की वजह से।
पोली हाउस में ये चल जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये तैयार नहीं है तो आप अभी भी इनको तैयार कर सकते हैं। वहीं नेक्स्ट कटिंग है हमारी मैरीगोल्ड, तो मैरीगोल्ड की कटिंग भी आप आसानी से लगा सकते हैं। इसकी कटिंग भी आप टिप की लीजिए और बहुत आसानी से ये प्लांट चल जाते हैं। सदाबहार प्लांट है ये, सर्दियों का मैरीगोल्ड अलग आता है दोस्तों, और गर्मियों के जो गेंदे के प्लांट हैं वो अलग आते हैं। तो बस इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मेरे पास देखिए मदर प्लांट था तो मैंने उन्हीं से कटिंग तैयार कर ली है। नेक्स्ट कटिंग है हमारी कनेर की, और कनेर की कटिंग भी देखिए काफ़ी हार्डी होती है, आप इसको कैसी भी सॉइल में लगा लीजिए ये हो जाती है। ये डबल पेटल में भी आते हैं और सिंगल पेटल में भी आते हैं। तो मेरे पास ये डबल पेटल का प्लांट है, पिंक कलर के इस पे डार्क पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, तो उसी से मैंने 3 से 4 प्लांट बना लिए हैं। मैंने एक प्लांट लिया था, ये 30 से 40 रुपए का मिल जाता है ये छोटा सा प्लांट। तो अगर आप चाहें तो इसकी कटिंग आप कहीं से भी ला के लगा सकते हैं, ये डिवाइडर वगैरह पे लगे रहते हैं और पानी की भी ज़्यादा इनको ज़रूरत नहीं होती है देखभाल की। ये कटिंग भी आपकी 15 से 20 दिन में चल जाएगी। नेक्स्ट कटिंग है हमारी मधुकामनी की, इसके फ्लावर बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही अच्छी सी भीनी भीनी सी इसमें खुशबू आती है। तो देखिए ये प्लांट मेरा लगभग 3 साल का होने वाला है और बहुत अच्छे से चल रहा है, नीचे ज़मीन में लगा हुआ है। इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है, मैं इसको टाइम टाइम से कट करती रहती हूँ। वहीं मैंने इसके 4 से 5 प्लांट बना के मैं दे चुकी हूँ, तो अभी भी मैं आपको इसकी कटिंग लगा के दिखा रही हूँ, तो इसकी कटिंग भी चल जाएगी। जब भी आप कटिंग लगाएं तो प्लीज़ मैं आपसे बोलती हूँ कि 3 से 4 कटिंग आप इकट्ठी लगाएं, अगर 2 कटिंग ना चलें तो आपकी कम से कम 2 कटिंग चल जाएं, बस ये चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्लांट है हमारा टिकोमा, तो देखिए टिकोमा भी कई तरह के रंगों में आता है और ये बहुत ही सुंदर प्लांट है। इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं और अपने घर में ही प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर आपके आसपास है ये तो रोड साइड भी आपको मिल जाएंगे। जो बड़े बड़े गोरी चोरी के प्लांट होते हैं येलो कलर में, वो तो सड़क किनारे लगे हुए होते हैं, तो उसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। और नेक्स्ट कटिंग है हमारी थनबर्जिया की, तो थनबर्जिया की कटिंग भी बड़ी आसानी से चल जाती है और इसके फ्लावर भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसकी कटिंग भी आपको पेंसिल के आकार की ही लेनी है। और वही आपको अगर आपके पास एलोवेरा है तो बहुत अच्छी बात है, दालचीनी का पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी रूट बनती हैं। और अगर आपके पास रूट हार्मोन्स है तो बहुत अच्छी बात है, उससे तो बहुत अच्छे से रूट्स बन जाती हैं और जल्दी आपकी कटिंग हो जाती हैं। लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, इनसे थोड़ा सा देर से चलेंगी, लेकिन कटिंग जेल से और दालचीनी से भी जो पाउडर बनाते हैं उससे भी हो जाती हैं ग्रो। तो देखिए सिंपल सी मिट्टी बनाई थी मैंने, उसमें मैंने आधी सैंड और आधी मिट्टी मिलाई थी, जो गार्डन सॉइल होती है वही। नेक्स्ट कटिंग है हमारी ललटाना की, तो ललटाना के फ्लावर भी बहुत ही सुंदर लगते हैं और मेरे पास ये कई रंगों में हैं। वैसे तो ये जहरीला प्लांट होता है, एक झाड़ी नुमा प्लांट होता है, अगर इसको नीचे ज़मीन में लगाया जाए तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है ये, लेकिन गमलों में लगे इसके छोटे छोटे से प्लांट काफ़ी सुंदर लगते हैं। और बस ये ध्यान रखें कि जब भी आप ये प्लांट अपने घर में ला रहे हैं लगा रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चों से बचा के रखें, क्योंकि अगर ये इसकी जो पत्तियां हैं इनको छू के आप आँखों में या कैसे भी अपने चेहरे पे फेस पे लगा लें तो थोड़ी सी जलन होती है और ये नुकसानदायक हो सकता है। वैसे तो इसके फ्लावर बहुत ही सुंदर लगते हैं और हमारे गार्डन की शोभा को बढ़ाते हैं, बस थोड़ा सा इसको ऊँचाई पर या कहीं बचा के आप रख दीजिए। और काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। अगला प्लांट है हमारा एक्जोरा का, एक्जोरा का प्लांट भी बहुत ही सुंदर होता है, ये ड्वार्फ वैरायटी में भी आता है और लॉन्ग वैरायटी में भी आता है। तो देखिए मेरे पास जो है ये लॉन्ग वैरायटी में है और बहुत ही अच्छे से गुच्छों में फ्लावरिंग कर रहा है, इसकी कटिंग भी बड़ी आसानी से हो जाती है, तो इसकी कटिंग भी आपको पेंसिल के आकार की ही लेनी है। और वही 2 से 3 कटिंग इसकी लगा लीजिए, 2-3 नोड मिट्टी में जाने चाहिए, क्योंकि नोड से ही जो रूट्स बनती हैं वो नोड से ही बनती हैं, बिना नोड के रूट्स नहीं बनेंगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, 2 से 3 नोड जो हैं मिट्टी में जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह की कटिंग आपको लेनी है कि 2 से 3 नोड आपकी मिट्टी में जाए, कम से कम 2 नोड तो आपकी मिट्टी में जानी चाहिए। और सैंड का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है, क्योंकि हार्डी प्लांट है तो मिट्टी में और सैंड में आराम से हो जाएंगे। तो देखिए ये मैंने सभी कटिंग लगा दी हैं, इससे पहले भी मैंने एक कटिंग की वीडियो शेयर की थी, तो मेरी कटिंग थोड़ा कुछ तो जल्दी से ग्रो हो जाती हैं, लेकिन कुछ में अभी जड़ें नहीं बनी हैं, तो उनको भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, थोड़ा सा टाइम लेंगी वो, अभी कम से कम 10 दिन हुए होंगे उनको लगे हुए। तो देखिए कटिंग लगाने के बाद जो मैं बात कर रही थी कि एक फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊँगी
कि उससे आपकी कटिंग ज़रूर ग्रो होंगी। तो देखिए मैंने इसमें पानी जो दिया है वो पानी सिंपल नहीं है, मैंने दो दिन पहले जो आलू के छिलके थे और कुछ उसमें खीरे के छिलके होते हैं वो मैंने फर्टिलाइज़र बना लिया था ये, और मुश्किल से एक मुट्ठी खीरे के छिलके होंगे, एक मुट्ठी आलू के छिलके होंगे, यानी दो से तीन आलू के छिलके थे और दो से तीन ही खीरे के छिलके थे। साथ ही मैंने इसमें डाला है जो जेल आप इस्तेमाल करते हैं एलोवेरा जेल का कटिंग लगाने में, वो जेल मैंने थोड़ा सा एक चम्मच के करीब वो डाला है और मैंने अच्छे से इसका घोल तैयार कर लिया था, वही पानी मैंने इसमें दिया है। तो इस तरीके का पानी मैं पहले भी अपनी कटिंग्स में यूज़ कर चुकी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, और बारिश का पानी भी मैंने यूज़ किया था। तो देखिए ये छोटी छोटी जो ट्रिक होती हैं ये बहुत काम की होती हैं, आप इस चीज़ को करके देखिए, अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुंच जाए। ये थी आज की वीडियो, फिर मिलती हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।